आज हैदराबाद में तेज बारिश ने काफी तबाही मचाई। तेज हवा और तूफानी बारिश से जहां शहर हैदराबाद के पुराने इलाके में सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थीं, तो वहीं कई घरों की छतें उड़ गईं और दीवारें भी मुनहदम हो गई। इन हादसों में काफी नुकसान भी हुआ, जिसका जायजा लेने के लिए यकूतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर रैन बाजार कारपोरेटर वाजिद अली, पत्थरगट्टी कारपोरेटर सुहेल कादरी व दीगर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने मजीद जानकारी दी। आज तेज हवाओं के साथ ऐन इफ्तार से कबल जो बारिश हुई है, मुख्तसर से अरसे में काफ़ी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा और उसके साथ ही झाड़ा टूट के इलेक्ट्रिक वेल पे गिरे, वायरा टूट गए, कई झाड़ ज़मीन से उखड़ गए, रास्ते बंद हो गए और कुछ घरों के ऊपर झाड़ गिरे, जिसकी वजह से घरों को नुकसान पहुंचा। अस्बेस्टस के शीट्स तेज़ हवाओं के नतीजे में जो बालाई मंजिल पे थे वो हवा में उड़ के इधर उधर गिरे, जिससे कुछ लोग जख्मी भी हुए। बहरहाल ये हादसे के इस वाक़े के साथ ही मगरिब के साथ याकूतपुरा असेंबली हल्के में मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करके हर जायज़ा लिया गया और महकमे बरकी के लोगों को साथ लेकर दौरा किया। जहाँ जहाँ लाइट बंद थी वहाँ काम करवा के चालू करे, दो ढाई घंटे से एम्बुलेंस चला था। और यहाँ पर भी याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्टी डीजल फैसिलिटी इलाके में यहाँ पे 5:30 से यहाँ भी लाइट बंद थी। सिर्फ लाइट का मसला रहा अल्लाह के फजल से यहाँ पर और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सुहेल कादरी साहब कारपोरेटर पत्थरगट्टी अपनी निगरानी में काम अंजाम दे रहे हैं। अभी लाइट शुरू चालू ही फिर बंद हो गई। वो लाइट के ट्रांसफार्मर के पास झाड़ों की वजह से कुछ रुकावट है, वो झाड़ों को कटिंग करके फिर ट्रांसफार्मर में फ्यूज़ डाल के चालू करेंगे। बहुत देर से ये लाइट यहाँ पर बंद थी, लोगों के मुसलसिल शिकायतें वसूल हो रही थी। इंशाल्लाह तवक्कुह के 10-15 मिनट के बाद ये लाइट चालू हो जाएंगी। वैसे भी बरखी के अहदेदारों को चाहिए कि ऐसे वक्त पे हंगामे खतूत पर काम करे। जो इतनी ताखीर हुई है वो ताखीर को कम, फौरी अगर ये काम के लिए निकल जाते तो काम बहुत आसानी से हो सकता था, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद मुसलसिल रब पैदा करने के बाद कारपोरेटर साहब लेके आके काम अपनी निगरानी में शुरू कराया, उन्हें अपनी निगरानी में चालू करा के जाएंगे। बहरहाल यह हालात शहर के एकदम अचानक मौसम की तब्दीली के बाद कुछ नुकसान हुए, कुछ बच्चे ज़ख्मी भी हुए और कुछ घरों का नुकसान हुआ। जिसके नुकसान आते हैं उनको मशवरा दिया गया कि सुबह अव्वल वक्त अपने एरिए के MRO के पास जाके दरख्वास्त दें, वहाँ से एक RI आके चेक करता, पूरा तखमीना बनाता कितना नुकसान हुआ, फिर मेरा लेटर कलेक्टर के नाम पर देंगे। फूल नहीं, फूल की पत्ती सही, थोड़े बहुत पैसे मंजूर होते, माँ बाकी पैसे उसमें सब शामिल करके अपने मकान के जो नुकसान आते हैं उसकी तामीर मुकम्मिल कर सकते हैं। ये एक जरिया है, एक रास्ता है। बहरा नसीब मिलत बरसुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट की हिदायत है, मजलिस के तमाम इलाकों में लोग दौरे करके आवाम के दरमियान में रह के काम कर रहे हैं, जिसमें सोहेल कादरी साहब कारपोरेटर भी शामिल है। इंशाल्लाह ये सरगर्मियाँ हमारी दिन और के रात हमेशा जारी रहती है। मजलिस का अपनी एक इंफिरादियत है, आइंदा भी हम हर वक्त आवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमत करेंगे। शुक्रिया।8 साल और लाइट मारो।
हमारा हमारा मिल बाजू कटा कटा दे यार थोड़ा बैठो बैठो कल बैठ जा भाई अंदर अंदर चावा बड़े डालता खा जा रहा कट कर दो बात की बात।